सांसद आलोक सुमन जी हैं सर, यहाँ पे मोहन गुप्ता पे तेजस्वी यादव ने बाजी लगाई है, और जबकि साधु यादव का कहना है कि भाई ये हमारा शहर है, क्या होगा? देखिए, महागठबंधन तो महागठबंधन है, सात पार्टियों का समूह है, सब लोग एकजुट हैं, हमारी जनता एकजुट है, तो इसलिए इसमें कहीं कोई सोचने की कोई संशय की बात नहीं है कि महागठबंधन का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। बाकी खड़ा होने के लिए तो सब कोई स्वतंत्र है, सब कोई खड़ा हो सकता है, किसी के लिए तो मना नहीं किया सकता। तो आप तो सर गोपालगंज के रहने वाले हैं, गोपालगंज की नब्ज को पहचानते हैं और खास करके डॉक्टर हैं, क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है 3 तारीख? हाँ नहीं, 3 तारीख को महागठबंधन जीतेगा ये निश्चित है, लेकिन ये सीट बीजेपी की है और सुभाष सिंह की मौत के बाद उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, लेकिन क्या मुद्दा क्या बनेगा? देखिए, सीट उसमें आप भाजपा की तब थी जब हम लोग भी उसके साथ थे, NDA बनी थी उसमें JDU भी साथ था, तो JDU के भी अपने वोटर्स थे, ऐसा तो नहीं था कि भाजपा केवल अकेले वोटर थे और वो अकेले जीत गए, अकेले जीते रहते तो आप ये बात उठा सकते थे, इसलिए जब भी उठे हम गठबंधन में जीते हैं, अभी तो वो गठबंधन टूट गया है, नया गठबंधन हो गया है। लेकिन आपको, आपकी पार्टी को और आपके नीतीश कुमार जो मुखिया हैं उनको तो एकदम BJP कोस रही है। अब तो वही तो बात है, देखिए जो इनके साथ रहता है वो प्रिय होता है, जो इनके साथ जो प्रिय होता है इनके साथ रहता है, प्लस वो सदाचारी होता है, जो इनसे अलग हो गया वो अप्रिय हो जाता है, और वो आप उनको क्या क्या कह देते हैं कि वो क्या हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है, और जैसे कोई इनके यहाँ चला गया तो तुरंत सदाचारी हो जाता है। आपको क्या लगता है सर कि ये 2000 जो अभी चुनाव चल रहा है, ये चुनाव अगर आपका महागठबंधन का कैंडिडेट जीत जाता है तो क्या ये माना जाए कि ये 2024 को ट्रेलर होगा, 2024 को आईना होगा? बिल्कुल, हमारा ये कैंडिडेट महागठबंधन का जीतेगा और ये 2024 की ओर इशारा करेगा, 2025 की ओर भी इशारा करेगा कि हम लोग जीते हैं, और 2024 और 2025 में भी जीतेंगे, सारी चीज़ें बदलेंगे। आपने देखा कि अभी ये गोपालगंज के सांसद थे डॉक्टर आलोक सुमन जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक नीतीश कुमार BJP के साथ थे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन BJP की नीतियों का विरोध करना शुरू किया, BJP से पल्ला झाड़ लिया तो बुरे हो गए। तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था और उस समय भाजपा के जो कैंडिडेट जीते थे, डॉक्टर साहब का कहना है कि वो उनका वोट था जिसके कारण BJP के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है और इस बार 3 तारीख को जनता बताएगी कि वो किसके साथ जाना चाहती है, कौन सा मुद्दा होगा, ये तो 3 तारीख को तय होगा। लेकिन अगर महागठबंधन का प्रत्याशी तय हो जाता है, 3 तारीख को जनता उसके ऊपर मुहर लगाती है, तो हमें लगता है कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो बिहार के, खास करके बिहार में, वो BJP पर भारी पड़ने वाला है।